से आप कहीं पर भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जितना ही देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। आइए सबसे पहले हम चैन बनाते हैं। देखिए ये हमने चैन बना ली है। अब हम 1 2 3 4 तीन हुक छोड़ने के बाद चौथे हुक में इस तरह से दो बार धागा घुमाकर यहाँ पर फोर्थ वाले हुक में ऐसे, फिर एक बार और, फिर एक बार और, फिर दो बार धागा घुमाएंगे, इसी में फिर से दो से एक करेंगे, फिर एक बार फिर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर दो बार धागा घुमाएंगे, फिर ऐसे, फिर दो से एक, फिर दो से एक करेंगे, फिर दो बार फिर धागा घुमाएंगे, फिर यहाँ ऐसे, दो हुक से एक, फिर दो हुक से एक, फिर दो से एक कर लेंगे, फिर दो बार फिर धागा घुमाएंगे, फिर इससे अगले वाले हुक में, फिर इसी तरह से दो से एक, फिर दो से एक, फिर दो से एक, फिर दो बार धागा घुमाएंगे, एक बार दो बार, फिर इसी में फिर से दो से एक बार, फिर दो से एक बार, फिर एक बार, दो बार धागा घुमाएंगे अगले वाले हुक में, दो से एक, फिर दो से एक, फिर दो से एक, फिर दो बार धागा घुमाएंगे अगले वाले हुक में, फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक बार और करेंगे, दो से एक, यहाँ से हम तीन हुक छोड़ देंगे, एक दो और तीन, तीन हुक छोड़ने के बाद अगले वाले हुक में हम सिंगल स्टिच करेंगे, सिंगल स्टिच करने के बाद फिर हम तीन चैन और बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद हम दो बार इस तरह से धागा घुमाएंगे, फिर अगले वाले हुक में फिर से दो से एक, फिर दो से एक, फिर दो से एक, फिर दो बार धागा घुमाएंगे, इसी तरह से दो से एक, दो
इसी तरह से फिर धागा घुमाएंगे। फिर धागा दो बार घुमाएंगे। फिर इसे अगले वाले हुक में फिर से दो से एक, फिर दो से एक, दो बार धागा इसी हुक में और फिर ऐसे, फिर दो बार अगले वाले हुक में फिर से धागा इसी तरह से दो से एक, एक से धागा घुमाएंगे इसी तरह से दो से एक, फिर दो से एक, तीन तीन छः सात, फिर अगले वाले हुक में दो से एक, ऐसे एक बार फिर से दो से दो बार धागा घुमा के फिर अगले वाले हुक में फिर ऐसे ही दो से एक, फिर एक, फिर यहाँ से हम तीन बार तीन हुक छोड़कर, एक दो तीन हुक छोड़कर अगले हुक में सिंगल स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम अपनी लाइन को कवर कर लेंगे। देखिए मैंने अपनी लाइन को पूरा कर लिया है, अब हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चार चैन और बनाएंगे, एक दो तीन और चार। चार चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर दो बार धागा घुमाकर इस तरह से एक, फिर दो बार धागा घुमाएंगे, फिर दो बार, छह बार, सात बार, आठ बार और ये नौ बार। नौ बार धागा घुमाने के बाद हम इस लूप में सिंगल स्टिच करेंगे। इस तरह से हम सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद हम तीन चैन फिर बनाएंगे, एक दो और तीन। तीन चैन बनाने के बाद फिर दो बार फिर धागा करेंगे और यहाँ पर नौ बार फिर से इसी तरह करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार,
8 बार और लास्ट 9 बार। 9 बार करने के बाद हम अगले लूप में फिर से सिंगल स्टिच करेंगे। इस वाले लूप में फिर से यहाँ पर सिंगल स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम अपनी लाइन को कवर कर लेंगे। यहाँ से हम 3 बार फिर चैन बनाएंगे। 3 बार चैन बनाने के बाद 2 बार धागा घुमाएंगे, फिर यहाँ पर 9 बार फिर से इसी तरह से करेंगे। चार बार, पांच बार और ये 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, ये लास्ट 9 बार। नौ बार करने के बाद हम अगले वाले लूप में फिर से सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद हम 3 चैन और बनाएंगे, 3 चैन बनाने के बाद हम इस पर 2 बार फिर से धागा लगाएंगे और फिर इसी तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 9 बार। 9 बार करने के बाद हम अगले वाले लूप में फिर से सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद हम 3 चैन फिर बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 बनाने के बाद हम 2 बार फिर से धागा घुमाएंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और ये लास्ट 9 बार। 9 बार करने के बाद हम फिर से आखिरी वाले लूप में सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। धागा चेंज करने के बाद फ्रेंड्स हम 4 चैन फिर बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 चैन बनाने के बाद हम इस तरह से 2 बार धागा फिर घुमाएंगे, यहाँ से
इसी तरह से हम 9 बार फिर सेम इसी तरह से करेंगे। नौ बार करने के बाद हम अगले वाले हुक में फिर से सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद हम 3 चैन फिर बनाएंगे, 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ डबल क्रोशिया फिर से धागा करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई है। इसके बाद हम 2 बार इस तरह से धागा घुमाएंगे, फिर यहाँ पर एक करेंगे, फिर 2 बार धागा घुमाएंगे, ऐसे करेंगे। इसी तरह से हम इसे 9 बार करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार और ये लास्ट 9 बार। 9 बार करने के बाद हम इस लूप में सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद हम 3 चैन फिर बनाएंगे, 2, 3। 3 चैन बनाने के बाद हम 2 बार धागा घुमाएंगे, फिर यहाँ पर फिर से
बार करने के बाद हमने अगले वाले लूप में फिर से सिंगल स्टिच करेंगे। अब फिर यहाँ पर तीन चैन फिर बनाएंगे, दो बार तीन बार, तीन बार करने के बाद दो बार धागा फिर घुमाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। इसी तरह से हम नौ बार करेंगे। नौ बार करने के बाद हम इस लूप में लास्ट वाले लूप में फिर से सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद तीन चैन फिर से बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद दो बार इस तरह से घुमाएंगे, फिर यहाँ पर फिर से नौ बार सेम उसी तरह से करेंगे। चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, और ये आठ बार। नौ बार करने के बाद हम यहाँ पर लास्ट वाली लूप में सिंगल स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर फिर से धागा चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सेम इसी तरह से अपने पैटर्न को पूरा करेंगे।